खबर है जाबर काशीराम नगर में महिला आरक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। अपने ही घर में उन्होंने खुदकुशी की है। महिला आरक्षक का नाम दुर्गा साहू है जिन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मृतका गोबरा नवापारा थाने में पदस्थ थी। खुदकुशी का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, उसका कारण अज्ञात है। तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर एक महिला आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल क्यों आत्महत्या की है इन कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है और ये आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। काशीराम नगर में महिला आरक्षक ने ये फांसी लगाई है और उन्होंने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और दुर्गा साहू महिला आरक्षक का नाम है और कोबरा नवापारा थाने में दुर्गा साहू पदस्थ थी महिला आरक्षक के पद पर। और फिलहाल जो कारण है आत्महत्या क्यों की गई है इसका खुलासा फिलहाल अभी नहीं हुआ है। तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि काशीराम नगर में महिला आरक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है और अपने ही घर में उन्होंने खुदकुशी की है। क्यों खुदकुशी की है इस बारे में भी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। और पुलिस यानी कि हम बात करें स्थानीय पुलिस जो कि तेलीबांधा थाना पुलिस है, वो अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिरकार दुर्गा साहू जो कि महिला आरक्षक है उन्होंने फांसी क्यों लगाई, ये एक सवाल खड़ा होता है। और साथ में खुदकुशी क्यों की गई है इसका कारण भी अभी तक अज्ञात है। रायपुर के काशीराम नगर का यह पूरा मामला है जहां पर महिला आरक्षक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और महिला आरक्षक दुर्गा साहू नाम है जिन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और मृतक गोबरा नवापारा थाने में पदस्थ थी और यहां पर महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। और खुदकुशी का कारण क्या है फिलहाल इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हां तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर है और वो इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। अगली खबर ब्लास्ट।